राधे राधे, आज मैं पिज्जा पोटले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, तली हुई है तो भी हेल्दी है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल डाल लिया था, और उसमें 10-15 लहसुन बारीक कट करके डाल लिए थे, और बारीक कट करके प्याज। और अब इसमें कट कर दूँगी 1 बड़े साइज का टमाटर, और ये बनाऊँगी मैं शेजवान चटनी। और इसको मैं 10-15 मिनट तक इसी तरीके से सेकूँगी, बिल्कुल सिम गैस पे। और अब इसमें डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। और लीजिए, ये सिक चुके हैं, अच्छे से पक भी चुके हैं। अब इसमें मैं डाल लूँगी मिक्सी के जार में, और ठंडा होने के बाद उसको पीस लूँगी। और ये ब्रोकली, और ये मैंने कुछ सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया। सब्जी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, शिमला मिर्च, मटर और बारीक बारीक प्याज। और ये सोयाबीन की बड़ी को भी मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और 1 बीटरूट को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने चॉपर में। और सब्जी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और जिस फ्राई पैन में मैंने शेजवान चटनी तैयार की थी, उसी में मैंने 1/2 डोंगा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, और तेल गर्म हो चुका था। जीरा वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। और डाल दिया इसमें प्याज बारीक चॉप किया हुआ, और प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया। और ये जो सब्जी मैंने आपको दिखाई थी, वो सारी सब्जी इसमें मैं डाल दूंगी एक साथ। और इसमें पानी वगैरह भी नहीं डालना, ऐसे ही हिलाते हुए सेकना इस सब्जी को, क्रंची सा रखना है, ज़्यादा गलाना भी नहीं है सब्जी को। और अब इन सब सब्जियों को मैं मिला दूंगी अच्छे से। और जो मैंने शेजवान चटनी तैयार की थी, वो भी डाल दूंगी इसमें मैं। और अब नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 चुटकी हल्दी डाली है। और अब मैं डाल दूंगी ओरिगेनो, और ओरिगेनो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला। आप अपने अंदाज से सब्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और जो जार में टमाटर मैंने शेजवान चटनी के लिए तैयार की थी पीस के, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर डाल दिया। और 1 ही डोंगा चम्मच मैंने डाला है टमाटो सॉस। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चीनी, खांड जो भी आप खाते हैं, मैंने खांड डाल ली है, ताकि इस सब्जी में थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट आए। और अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन वाले प्याज, जो मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था। और लीजिए, इस सब्जी का पानी अच्छे से सूख गया है, पानी तो नहीं डाला, वो जार धो के ही डाला था थोड़ा सा मैंने। और ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया, वैसे आप मैदा से बना सकते हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया, और नमक और देसी घी को अच्छे से मिला लूँगी अब मैं आटे में। और ये 4 पिंच मैंने इनो डाला है, मतलब टीस्पून का 1/4 पार्ट। और अब इस आटे को मैं गूंथ लूँगी, जैसे हम कचौड़ी का आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से, उसी स्टाइल में गूंथना इस आटे को। ज़्यादा टाइट और ज़्यादा नरम भी नहीं गूंथना आटे को। और आटे को ढक के मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब बना लेंगे हम पिज्ज़ा पॉकेट। और ये छोटी छोटी लोई तोड़ ली है मैंने आटे में से, और बिल्कुल पतला बेलना है इसको। जितना पतला आप बेलेंगे, उतनी टेस्टी और करारी बनेंगी ये। और अब मैं दूसरी पिज्जा पॉकेट के लिए रोटी बेल रही हूँ, और वीडियो में आप देख भी रहे हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल ही पतली रोटी बनाऊंगी।
और लीजिए ये दोनों रोटी मैं बिल्कुल पतली पतली बेल चुकी हूँ। अब इनके ऊपर रखूँगी सब्जी जो मैंने पहले ही बनाकर तैयार कर ली थी। और सब्जी ये हो गई है बिल्कुल ठंडी। और इसके ऊपर रख दूँगी जो दूसरी पतली रोटी बेली थी वो। अब ये इस तरीके से इसको दबा दूंगी, चारों तरफ से अच्छे से चिपक जाएगा ये आटा। पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया इसमें। और फिर कर दूंगी मैं चाकू से कट। और लीजिए पिज़्ज़ा पोटली बनकर तैयार हो गई। आप इसमें चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, मेरे पास फिलहाल चीज़ नहीं थी। इसी तरीके से बनाई और बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जैसे हम कचौड़ी तलते हैं उसके लिए तेल गर्म करते हैं उसी तरीके से तेल गर्म करना है। ये सीखेगी तब तक मैं दूसरी पिज़्ज़ा पोटली की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट। और शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, गोल में भी बना सकते हैं और इस तरीके से चकोर में भी बना सकते हैं। लीजिए ये दूसरी भी पिज़्ज़ा पोटली भरकर मैंने तैयार कर ली है और चारों तरफ से कटिंग भी कर दी है। अब इसको भी छोड़ दूंगी मैं कढ़ाई में। और लीजिए पिज़्ज़ा पोटली एक सीख कर तैयार हो गई है, बिल्कुल क्रंची बनी थी। और अब मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखना कितनी टेस्टी लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। लीजिए दूसरी पिज़्ज़ा पोटली भी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं। और अब मैं गोल शेप की पिज़्ज़ा पोटली बनाकर दिखा रही हूँ आपको। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, गैस को कर दिया मैंने बंद। लीजिए दो तरीके से पिज़्ज़ा पोटली मैंने आपको बनाने सिखा दी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और सब्जी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी या नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ। राधे राधे।